पीएम मोदी के काशी दौरे पर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जिसका अंत निकट आता है वो काशी जाता है। अंतिम समय में लोगों को काशी में ही रहना चाहिए। पीएम मोदी यदि काशी जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा समय काशी में रहना चाहिए। और क्या कहा अखिलेश यादव ने, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का दावा किया था, लेकिन काशी की समस्याएं आज भी अपनी जगह बनी हुई हैं। पीएम ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लेकिन इस योजना को लेकर सपा और बीजेपी के बीच श्रेय लेने की लड़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन काशी के गौरव को लेकर जरूर सभी दलों में राय एक है। अखिलेश यादव ने पीएम के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है कि पीएम काशी जाते हैं, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय में वही काशी में रहा जाता है। पीएम यदि वहां जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीएम को एक महीने की जगह 3 महीने काशी में रहना चाहिए। इसके साथ ही सपा चीफ ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने एक डिप्टी सीएम को पैदल कर दिया और एक को स्टूल पर बैठा दिया। बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई की वजह से इन सबकी भाषा बदल रही है। वो जानते हैं कि जनता उन्हें हटाने का काम कर रही है। अखिलेश ने कहा कि पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटावा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सभी योजनाएं समाजवादी सरकार की देन है। लायन सफारी, एनिमल सफारी आज तक इंतजार कर रही है। हमारी सरकार के समय काम पूरा हो गया था, लेकिन जरूरी परमिशन के चलते ये शुरू नहीं हो पा रही है। योगी जी ने कोई भी नई योजना नहीं बनाई, सिर्फ हमारे कामों का श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।